हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम बहुत सारे पॉकेट वाले पर्स बनाएंगे और वो भी बिना जिप के। कपड़े की चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है और इसकी लंबाई 15 इंच है, 15 इंच इसकी लंबाई है। इसी नाप का मैंने एक प्लेन कपड़ा भी लिया है और इसी नाप का मैंने एक फ्यूज़ पेपर भी लिया है। फ्यूज़ पेपर को कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसे गर्म आयरन से चिपका लेंगे। जब इसके ऊपर आयरन करेंगे तो ये चिपक जाएगा। फ्यूज़ पेपर आपको टेलरिंग का सामान जहाँ मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए, इसे मैंने आयरन कर लिया और एक कपड़े के साथ अच्छी तरह से चिपक गया है। अब इसी नाप का एक और कपड़ा हमें लेना है। अब किनारे किनारे सिलाई करेंगे, ऊपर से दोनों साइड हल्की सी गोलाई देते हुए सिलाई करेंगे। ऊपर गोलाई से मैंने इसे कट कर लिया है। बीच में मैंने थोड़ा सा खुला रखा था जिससे हम इसे बाद में सीधा कर सकें, और गोलाई वाले पार्ट में हल्की हल्की से कट लगा। दोनों कपड़ों के बीच से इसे सीधा कर लेंगे, कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। जो खुला हुआ भाग है उसे हम सुई धागे से सिलाई कर लेंगे। अब बैक के पॉकेट के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है उसकी लंबाई 10 इंच है, 10.5 इंच है, और इसकी चौड़ाई 6 इंच है, 6 इंच इसकी चौड़ाई है। जितनी हमने बड़े पार्ट की चौड़ाई ली थी उतनी ही हमें इसकी भी चौड़ाई लेनी है। इसको भी मैंने फ्यूज़ पेपर के साथ आयरन करके चिपका लिया है। अब इसके ऊपर सेम साइज का एक कपड़ा रखेंगे और चारों साइड से इसकी सिलाई करेंगे। थोड़ा सा ओपन रखेंगे इसे सीधा करने के लिए। सिलाई करने के बाद कॉर्नर को हम कट कर लेंगे और साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा अगर है तो उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब जहाँ से हमने इसे खुला रखा था वहाँ से इसके उसको हम सीधा कर लेंगे। खुली हुई जगह की हम सिलाई कर लेंगे। ऐसे 4 पीस मैंने बनाए हैं और एक बड़ा पीस है, तो सभी को मिलाकर 5 पॉकेट बनेगी। तो सभी की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। 4 मैंने छोटे वाले पीस बनाए हैं और एक बड़ा वाला पीस है। तो अब सब में हमें मार्किंग करनी है, उसके बाद इसकी सिलाई करेंगे। चारों छोटे पीस पर हम मार्किंग करेंगे। तो इस पर निशान लगाने के लिए 1.5 इंच हमें किनारे से छोड़ देना है, 1.5 इंच छोड़ देंगे और निशान लगाएंगे। दूसरे किनारे से भी 1.5 इंच 1.5 इंच छोड़कर निशान लगा लेंगे। अब इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, 3.5 इंच तक लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरे साइड भी 3.5 इंच तक लाइन ड्रॉ करके मिलाएंगे। सभी पर मैंने एक बॉक्स बना लिया है बिल्कुल सेम नाप का। दोनों किनारों से 1.5 इंच छोड़कर 3.5 इंच की हमें लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेना है। अब बड़ा वाला पीस ले लीजिए, जिधर सीधा भाग है वहाँ पर दूसरा पीस रखकर इसे स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, मैंने जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसके ऊपर सिलाई कर ली है। अब छोटे वाले पीस का ही हम दूसरा साइड लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से एक और पीस रखेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी और इसमें भी सिलाई करेंगे। अब जो चौथा पीस है उसकी भी सिलाई कर लेंगे, उसे भी इस तरीके से रखकर इसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, सारे पीस की सिलाई हो गई। अब इसे बीच से हमें फोल्ड कर लेना, हर पीस को बीच से फोल्ड करेंगे अच्छी तरह से बराबर करते हुए। अब ये जो बड़ा वाला पीस है उसे भी इस तरह से बराबर कर सिलाई कर लेंगे। और सभी के किनारे मैंने पिन लगा लिया है, दूसरे साइड भी मैंने पिन लगा लिया है। अब इस पर हमें सिलाई करनी है। सभी की सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने साइड की सिलाई कर ली है और हमारा सुंदर सा पर्स बनकर तैयार है। इसमें 5 पॉकेट हैं, आप सब में अलग अलग सामान रख सकते हैं। अब इसमें हमें एक बटन लगाना है, उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, बस साइड की सिलाई मैंने की है। अब यहाँ पर बटन या वेलक्रो लगाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक बटन लगा लिया है और हमारा पर्स बनकर तैयार है। तो ये आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।